सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि Realme ने अपना लेटेस्ट 5G बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Realme ने अपने नए बजट 5G स्मार्टफोन Realme V11 5G को चाइना में लॉन्च कर दिया है। Realme V11 5G में नॉच डिस्प्ले दिया गया है, इसके अलावा इसमें 3 साइड से पतला बेजल्स है। Realme V11 5G एक ही रैम और स्टोरेज में मिलेगा। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और इस फ़ोन को अदर मार्केट में लॉन्च के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। Realme V11 5G स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 1199 चीनी युआन यानी करीब 13,500 इंडियन रुपीज़ है। इस प्राइस में आपको 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। यह फ़ोन वाइब्रेंट ब्लू और क्वाइट ग्रे कलर वेरिएंट में मिलेगा। फ़ोन की सेल Realme की चाइनीज साइट से हो रही है। Realme V11 5G स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.7% है। फ़ोन में MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक बजट 5G प्रोसेसर है। इसके अलावा ग्राफिक्स के लिए Mali G57 GPU दिया गया है। फ़ोन में 4GB की रैम दी गई है, 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसे microSD कार्ड के ज़रिए 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। Realme V11 5G के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 13MP का, जिसका एपर्चर f2.2 है। वहीं दूसरा कैमरा 2MP का है, जिसका एपर्चर f2.4 है। सेल्फी के लिए नॉच तो है ही, लेकिन कैमरे के बारे में फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। Realme V11 5G स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इस फ़ोन का वेट 186 ग्राम है, जो कि 4G एंड 5G कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है। और इसके साथ ही मार्केट में एक और सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। उस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गलेक्सी M12। सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गलेक्सी M12 को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग से पहले सैमसंग गलेक्सी M12 को लेकर तमाम तरह की खबरें आई हैं। गलेक्सी M12 पिछले साल लॉन्च हुए M11 का अपग्रेडेड वेरिएंट है और M12 में क्वाड कैमरा सेटअप यानी 4 कैमरे दिए गए हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लॉन्च किया गया है इस स्मार्टफोन को। सैमसंग गलेक्सी M12 के प्राइस के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। फ़ोन को फ़िलहाल वियतनाम में लॉन्च किया गया है और यह फ़ोन अट्रैक्टिव ब्लैक, एलिजेंट ब्लू और ट्रेंडी एमरल्ड ग्रीन कलर में मिलेगा। इंडिया में इस फ़ोन की लॉन्चिंग को लेकर फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सैमसंग गलेक्सी M12 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड OS बेस्ड 1 UI कोर दिया गया है, जिसमें 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजोल्यूशन 720p x 600p दिया गया है। इस फ़ोन में TFT इन्फिनिटी V डिस्प्ले दी गई है। सैमसंग के इस फ़ोन में एक्जीनोस 850 प्रोसेसर दिया गया है और यह फ़ोन 3, 4, 6 GB रैम वेरियंट में आता है। और इसी तरह इंटरनल स्टोरेज 32GB, 64GB एंड 128GB 3 वेरिएंट में इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे microSD कार्ड के ज़रिए 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस फ़ोन में कैमरे फीचर्स की बात करें तो 4 रियर कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा 48MP का, जिसका एपर्चर f2.0 है। दूसरा कैमरा 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जिसका एपर्चर f2.2। वहीं तीसरा कैमरा 2MP का डेप्थ सेंसर और चौथा कैमरा 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ़ोन की बैटरी की बात करें तो फ़ोन की बैटरी को बड़ा रखा गया है। इसमें बैटरी 6000 mAh की दी गई है, जिसे लेकर कंपनी ने दावा किया है कि ये 4G नेटवर्क पर 58 आवर्स तक का बैकअप दे सकती है। फ़ोन का वेट 221 ग्राम है और कनेक्टिविटी फीचर्स में 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, USB टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हैं।
दोनों ही फ़ोन में से कोई भी फ़ोन फ़िलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।